ऑफ कोर्स हम सभी को ना स्मूथ, फ्रिज फ्री, मैनेजेबल, ग्लॉसी, शाइनी हेयर चाहिए होते हैं। सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों की भी ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हम पार्लर जाए, सैलून जाए, अपने ही हाथ से इतने मोटे मोटे पैसे दें और अपने ही बालों में केमिकल्स डलवा कर लेकर आ जाए? ये केमिकल्स जो आपकी बालों की स्मूदनिंग कर रहा है, क्या आपको पता है ये कार्सिनोजेनिक है? इसको सिर्फ इनहेल करने से भी आपकी बॉडी में कैंसर के तत्व पैदा हो सकते हैं। वो चीज़ अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाओगे, अपने बालों में लगाओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपके स्कैल्प को कितना डैमेज कर सकता है। और ये बाकायदा दिखता भी है, जब आप कर आते हो तो ऑब्वियसली आपके बाल आपको बहुत स्मूथ दिखते, कुछ दिन तक बहुत शाइनी दिखते, लंबे टाइम तक भी दिख सकते हैं। लेकिन इससे सबसे पहले तो जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो है आपका हेयर फॉल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ को अगर आपने कंटिन्यूसली 2 से 3 बार कर लिया ना, मतलब आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी गाइस। हेयर फॉल तो फिर भी ठीक हो जाता है, हेयर लॉस को रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ये केमिकल्स तो हमको लगाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्मूथ, सिल्की, शाइनी बाल हमारे हो ही नहीं सकते? क्या आपको मेरे खुद के बाल स्मूथ, फ्रिज फ्री, शाइनी, हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे? हो सकता है आपको उतने ज्यादा स्मूथ ना दिख रहे हो जितने हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बाद में दिखाई देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये नेचुरल है, बिना कोई केमिकल के। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे वो केमिकल हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को डैमेज करता है, ये जो हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट मैंने किया है अपने बालों में जो नेचुरल है, ये मुझे हेयर लॉस तो नहीं देता, इनफैक्ट मेरे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, क्योंकि ये मेरे स्कैल्प के लिए एक तरीके का मेडिसिन है। वेलकम टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ राबिया। मैं मेरी फैमिली की ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाजिर हूँ, घर बैठे बिना कोई केमिकल के, बिना कोई पैसे खर्चा किए, नेचुरल तरीके से, बिल्कुल सैलून जैसी ही हेयर स्मूथनिंग आप अपने घर में कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो सिर्फ ये हेयर स्मूथनिंग क्रीम नहीं है, ये हेयर ग्रोथ बूस्टिंग क्रीम भी है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, आपको एक बर्तन में 300 ml जितना पानी लेना है, उसमें आपको 3 चीज़ डालनी है। वो है 1 छोटा टीस्पून लौंग, 1 छोटा टीस्पून काली मिर्च और 2 से 3 या 3 से 4 तेज पत्ता। ये तीनों चीज़ों को आपको पानी में अच्छी तरीके से डाल के इसको बॉइल कर लेना है। इसका पानी अगर आप अपने बालों में अप्लाई करते हो, अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हो, तो ये आपके हेयर फॉल को रोकने में और बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको इतने हद तक पकाना है कि पानी 300 से तकरीबन 250 ml जितना हो जाना चाहिए और पानी का कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए, इन सारी चीजों की गुडनेस से पानी में आ जाएगी, तो आपको इनको पानी से निकाल लेना है, इसको सेपरेट कर लेना है। अब ये जो हेयर टॉनिक बन गया है, इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा यानी राइस फ्लावर, 1 से 1.5 चम्मच कॉर्न फ्लावर। ये दोनों चीज़ डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसको गैस पे अच्छी तरीके से पकाएं और आपका ये टॉनिक के साथ में जो ये क्रीम का बेस है वो बनके रेडी हो जाएगा। इसको गैस से निकालें, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, तब हम इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे हमारी बालों की स्मूथनिंग के लिए, हमारे बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो है अंडा यानी कि एग। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन अगर आप डालोगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक अंडा डालें, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डालनी है वो यहाँ पे है फ्लैक्स सीड जेल यानी कि अलसी का जेल। 2 से 3 मिनट लगता है अलसी के जेल को बनाने के लिए। 1/2 लीटर पानी में 1 चम्मच अलसी के बीज डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके 4 से 5 मिनट तक जब आप इसको पकाओगे तो निकलेगा अलसी का जेल। गर्मा गर्म वो जेल को छाने और इसमें डाल दे। इसके बाद आपको इसमें डालना है बनाना। अगर आपने अंडा स्किप किया है तो आप एक पूरा बनाना डालेंगे, अगर आपने एक अंडा डाला है तो आधा बनाना डालेंगे, अगर आपने 2 अंडे डाले हैं तो आप बनाना डालेंगे ही नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे हाफ बनाना डाल रही हूँ। और उसके बाद में आपको डालना है 2 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की जगह पे आप 2 चम्मच बादाम का तेल भी ले सकते हो, ये सर्दियों के सीजन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डाल के ना, हो सके तो ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर है तो यहीं पे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद गाइज, आपको कोई केमिकल की ज़रूरत पड़ी है क्या? बताओ, इसमें सारे नेचुरल चीज़ें हैं और आपकी ये हेयर स्मूथनिंग, हेयर स्पा क्रीम बनके रेडी है। अब इसको लगाना कैसे है? जिस दिन आप अपने बालों को शैम्पू करते हो उसके 1 दिन पहले या उसके अगले दिन, ये इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है, अदरवाइज आप इसको कभी भी लगा सकते हो। क्रीम को बस लेना है, अपनी जड़ों में भी इसको अप्लाई करना है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, वो जो केमिकल वाली क्रीम होती है हम उससे डरते हैं कि कहीं हमारी जड़ में ना लग जाए, क्योंकि वो आपकी जड़ को डैमेज कर देता है। यहाँ पे हम पर्पसली हमारे जड़ों में क्रीम को लगाते हैं, क्योंकि जो लौंग, जो ब्लैक पेपर, जो तेज पत्ता, जो फ्लैक्स सीड जेल, जो राइस, ये सारी हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाला ना, ये हम चाहते हैं कि हमारी जड़ों में लगे, हमारी जड़ों में पहुंचे, हमारे जड़ों को ये मजबूती दे, हमारे हेयर फॉल रिड्यूस करे और हमारे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाए, हमारे बालों में वॉल्यूम, लेंथ सब कुछ ऐड करे। जड़ों में लगाओ अच्छी तरीके से और फिर
डेफिनेटली इसको आपको अपने लेंथ में तो लगाना ही है, लेंथ में लगाते जाओ, जड़ों में लगाते जाओ, लेंथ में लगाते जाओ, अच्छे से अपने बालों को इसको कवर करो, एक एक स्ट्रैंड को पॉसिबल हो तो अच्छी तरीके से कवर करो। राइस, अंडा और फ्लैक्सीड जेल का ये जो कॉम्बिनेशन हमने इसमें यूज किया है ना, ये आपके एक एक स्ट्रैंड को ना वॉल्यूमिनस बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, ग्लॉसी बनाते हैं और थिक बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके बालों से फ्रिजीनेस, रफनेस, डलनेस को दूर करने के लिए और आपके बालों में एक्स्ट्रा जान डालने के लिए, बस एक बार इसको लगा के तो देखो आप अपने बालों में, अच्छी तरीके से अपनी लेंथ में इसको अप्लाई करें। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये इसी का ही रिजल्ट है गाइस, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से लगाओ अपने बालों में। और सबसे इंपॉर्टेंट अब बात सुनो, लगा लिया आपने अपने बालों को, आप अच्छी तरीके से ऊपर टाई कर लो, अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको आपको कवर करना है, वो भी एक शावर कैप से, ठीक है। अगर आपको शावर कैप नहीं मिलता आप किसी पॉलीथीन से कवर करें, लेकिन प्लीज़ इसको खुला मत छोड़े, ये सूखना नहीं चाहिए, तभी आपकी हेयर स्मूदनिंग में ये हेल्प करेगा, हेयर को सॉफ्टन करने में हेल्प करेगा, आपके क्यूटिकल्स को सॉफ्टन करने में ये हेल्प करेगा। शावर कैप लगाने से आपको अंदर एक नेचुरल हीटिंग वाला इफेक्ट मिल जाएगा और वही चीज़ हमको चाहिए, उतना ही हमको चाहिए। वो जो केराटिन स्मूदनिंग ट्रीटमेंट करने में जो बाहर से हम आयनिंग हीट वगैरह अप्लाई करते हैं वो नहीं चाहिए, वो हमको देना ही नहीं है, वो सब दकिया न्यूज ही, वो सब हमारे बालों को डैमेज करते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज है ना, हमारा हेयर ग्रोथ टॉनिक हो, अंडा हो, फ्लैक्सीड जेल हो, राइस हो, ये सब हमारे बालों में, हमारी रूट से लेके हमारी शाफ्ट में पेनिट्रेट होते हैं, ये चीज आपको ये हेयर स्मूदनिंग ट्रीटमेंट से मिलेगी। तो अच्छी तरीके से अपने बालों को कवर करें, 1.5 से 2 घंटों के लिए इस तरह से रखें, और उसके बाद जब अपने बालों को वॉश करोगे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सिंपल ट्रीटमेंट से, ये सिंपल नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपको इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यस, एक बार ट्राई तो करके देखो। और हेयर वॉश करने के टाइम पे आप अपने बालों को शैम्पू भी कर सकते हो, चाहो तो कंडीशनर भी कर सकते हो, अगर आप लगाते हो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी क्रीम बच जाती है तो आप 2 से 3 दिन के बाद में इसको फिर से रीअप्लाई कर सकते हो और फिर कमाल के रिजल्ट देख सकते हो अपने बालों में। आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ, इतने फ्रिज फ्री, इतने मैनेजेबल, इतने सिल्की, इतने शाइनी हो जाएंगे, मतलब कोई ये जो केमिकल भरे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी ये चीज़ नहीं कर सकते गाइस, 110% नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बालों से प्यार है और फिर भी आप अपने बालों को ये सारे रिजल्ट्स देना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स आप अपने घर में करो और इसके रिजल्ट्स होते हैं। हो सकता है कि उतने ना हो, 19-20 हो, ठीक है, लेकिन आप 19 से भी काम चला सकते हो। अगर आप आगे जाके इस तरह से गंजे नहीं होना चाहते, आप अपनी लेंथ को, अपने वॉल्यूम को, अपनी थिकनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ये 19 वाले रिजल्ट्स भी आपके लिए बहुत काम के हैं। और इससे सिर्फ आपके पैसे नहीं बचेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इससे आपके बाल बचेंगे जो बहुत ज़्यादा कीमती है, हमारे बॉडी का, हमारे सर का ताज है हमारा बाल, हमारा क्राउन है। तो गाइस बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, मैंने आपके साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। ऑलरेडी आपने इसको लाइक किया है, नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार है, लाइक करो, शेयर करो। और यस, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो नीचे कॉमेंट भी करके बता दो, और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।